मेरे को आप लोग ये बताओ, जो टेक सूट के पीछे जो पंखा इतना बड़ा दिया है इन लोगों ने, ये कुछ काम भी करता है? क्योंकि आर्क पीसी में मैंने देखा इसे बंदे उड़ पाते, हवा में ग्लाइड कर पाते, ये सब कर पाते, एंड आर्क मोबाइल में इसका क्या काम है? बस स्पीड देना, जाहिर बात है। मतलब अगर ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं तो ये लगाया ही क्यों? कोई बात नहीं गाइस, आ चुके हम एक और नया एपिसोड लेके, और आज का जो एपिसोड है वो बहुत सही होने वाला है। आज के एपिसोड में हम कोई नए एनग्राम ट्राई करने वाले, जो कि आज तक मैंने नहीं देखे एंड कभी आज तक। अरे अरे भाई, नीचे गिर गया भाई, बातों बातों में मैं। ओके कोई बात नहीं, चलो फिर अपने को जो एनग्राम जो ट्राई करने हैं वो दो एनग्राम है, उनके बीच में अपने को कंपेयर करना है कि भाई ये एनग्राम अच्छे है या मतलब बुरे है। मुझे नहीं पता अभी, मैंने कभी देखी नहीं। आई थिंक ये पीवीपी के लिए यूज़ होते हैं या फिर मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। एंड चलो बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। भाई ये डिल्फो जो है बहुत हरामी होते हैं। जो एक भाई मैंने पता है, एक बच्चा मैंने ब्रीड करवाया था, वो ऐसे मेरे इसमें घूम रहा था, वहाँ पे डिल्फो ने स्पॉन ले लिया भाई ने, और मेरे क्या किया। अरे यार ये सेविंग बीच में आता है ना, बहुत दिक्कत करता है। और मैंने पता है क्या किया, सबको मैंने पैसिव करके रखा था, तो भाई उसने मेरे को बच्चे को मार भी दिया भाई साहब। मेरे को बाद में पता चला कि भाई डिल्फो है साले, मैं बच्चे को मार दिया। वहाँ पे लिख के आया मैं जहाँ पे होलकिनो माउंटेन में था पहले तो मैं। ओके तो अभी फिलहाल के लिए जो गिफ्ट आया वो देख लेते क्या मिलेगा गिफ्ट से अपने को। ओ भाई सूदिंग बाम दे दिया भाई, आर्क वाले इतने मेहरबान कब से होने लगे। मतलब मल्टीप्लेयर में हुए थे एक बार, तीन सूदिंग बाम को दिए थे उन लोगों ने, इसमें भी दे दिए। तो चलो गाइस आज के एपिसोड में हम बेलिस्टा टरेट और कैपला कुप टरेट, उसका दूसरे का जो नाम है बहुत अजीब है, मुझे नहीं पता लेकिन बहुत अजीब नाम है उनका, एंड वो है उसको हम ट्राई करने वाले हैं। वो दिखाता हूँ मैं आपको, आई थिंक वो खुल जाता है आई थिंक 20 समथिंग उसके आसपास, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। रुको देखो ये रहा, 29 लेवल पे आपको खुलता है ये बेलिस्टा टरेट, एंड उसका जो बोल्ड आता है वो अलग से आता है। एंड ये हम अनलॉक कर लेते हैं सबसे पहले। एंड एक और चीज़ जो है ये, इसका नाम कटापुल टरेट ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे नहीं पता अभी इसका। चलो अभी इन दोनों एनग्राम को आज हमें जो टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा और क्या क्या यूज़ में आता है। एंड ज़्यादातर मुझको तो पता है इसका, ये देखो इसका बैरिस्टा का बोल्ट, लेकिन इसका कोई है नहीं भाई क्या, ये टरेट जो है इसका क्या है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक उसके अंदर ही बनता होगा शायद से। तो चलो अभी हम बना लेते हैं, हमने जो है वो इसके एरोज जो है हमने पहले ही बना लिए, 25 बना लिए, 25 काफ़ी है। अगर लगते हैं ज़रूरत तो फिर बाद में बना लेंगे, बाद में भाई बहुत टाइम लेते हैं बनाते बनाते, मतलब फटके चालू होते थे। सबसे पहले हम बनाते हैं बैलिस्टा टरेट को, एंड उसके बाद। और ये क्या है भाई, ये मेंटा का सेटल ऐसे कब से दिखने लगा यार, मैं सोचो पड़ गया भाई ये क्या है। एंड ओके ये देखो ये रहा क्या, ये भाई टरेट का नाम कौन सा पता नहीं, टरेट कैप्चुअल टरेट क्या पता, कैटापुल टरेट क्या क्या, कैसे कैसे नाम है भाई इसके अंदर। और मैं ये टरेट लगा के देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ बनता है या नहीं। सबसे पहले इसको लगाएंगे भाई, बहुत बड़ा है तो भाई चलो इसके अंदर। ओ ये क्या है, ओके इसका जो है इसका जो बोल्ड क्या पता है ये कुछ है इसके अंदर, इस बनता है। इसके लिए चाहिए अपने को स्टोन चाहिए और मेटल चाहिए, अपने पास दोनों चीज़ भर भर के नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है जितनी भी उतने में काम बन जाएगा। तो मेटल मैं ले लेता हूँ थोड़ा बहुत इन्वेंट्री देख के, बिकॉज मेरा जो वेट है वो भाई कम है भाई, बहुत भर गया भाई इतने में, तो भाई इतना ही चाहिए। रुक दो, स्टोन में थोड़े से कम कर देता हूँ, मेरे को मेटल भी थोड़े से कम करने पड़ेंगे, बिकॉज मेटल मेरे को कम चाहिए, मैंने आई थिंक ज़्यादा ले, चलो इतना काफ़ी है। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ग्रिफिन के साथ, वहाँ पे मैंने एक ट्रैप बना के रखा है, एंड वहाँ पे ट्रैप में हम कैश करने वाले सबसे पहले। तो भाई ये क्या चीज़ है, मतलब एनग्राम जो है वो क्या काम आता है, वहाँ पे हम डायनो के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। अभी कौन से डायनो, आपने मेरे इन्वेंटरी में देख ही होंगे, इतने सारे इम्प्लांट जो है मैंने जमा करके रखे, एंड वो क्यों करके रखे, इसलिए करके रखे क्योंकि हम उन पे जो है ये वेपन्स ट्राई कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपने डायनोज को रिवाइव करके वहाँ पे उनके ऊपर टेस्ट करने वाले। एंड मेरे को एक और चीज़ चाहिए थी, वो ट्रेनिंग डमी। अभी ये तो देखो ये अभी मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेनिंग डमी है ना वो मैं यहाँ से उठा के ले जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक ट्रेनिंग डमी बनाई थी एंड मैंने उसको यहाँ पे इसके अंदर रखा था, तो उसको मैं तोड़ के वापस से बना के इधर लगा, क्योंकि मैं कैजुअल में खेलता हूँ, और कैजुअल में आप कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हो तो जितना भी रिसोर्स लगता है आपको सारा का सारा मिल जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो चलो ये देखो ये रहा ट्रेनिंग अपना डमी, जो कि 400 हेल्थ वाला आता है, लेकिन इसकी 400 हेल्थ 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है पता नहीं क्यों। एंड ये देखो ये इसको क्राफ्ट कर देते फटाफट से। एंड चलो अभी फिलहाल के लिए जो अपना सोलो सर्वाइवल जो एपिसोड है वो आ रहा है, मतलब जल्दी से आ रहा है कोई अच्छा सा तगड़ा एपिसोड, क्योंकि इसमें थोड़ा काम मैंने बंद रखा है एंड मल्टीप्लेयर में थोड़ा काम चालू रखा है, एंड वहाँ पे ब्रीडिंग का कुछ एपिसोड चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, वो भी आप देख लेना। पर अब पहले तो अभी इसको लगा के पहले लगाऊंगा मैं कोई जगह पर, अच्छी सी जगह देख के इसको लगाऊंगा, ताकि मैं वेपन जो है उसके ऊपर ट्राई कर पाऊँ। एक सेकंड देखो ये जगह, इसको हम लगाएंगे साइड में यहाँ पे लगा देते एकदम फटाक से यहाँ पे देखो। ओके अभी चलो इसको एक बार टेस्ट कर लेते, चलता है कि नहीं, काम ही करता होगा वैसे तो। चलो अभी सबसे पहले जो है हम वो टरेट लगाने वाले वो है बैलिस्टा टरेट, जो कि है ये वाली, इसको हम लगाने वाले। और भाई साहब ये तो भाई थोड़ी सी बड़ी है, इसको हम लगाएंगे यहाँ कहाँ पे, जहाँ से हम उसको डायनोस को मार पाए। रुको रुको यहाँ पे लगाए कि कहाँ पे लगाए, यहाँ पे भाई ये मतलब ओके
ओके यहाँ पे कहाँ पे अबे अब ओके ये देखो यहाँ पे लगा लेते हैं फटाफट से। एंड चलो भाई ये तो बहुत बड़ी है भाई, मतलब इसके अंदर कोई ऑप्शन दूसरे नहीं है। और भाई ये तो मतलब पूरा से अपग्रेड वर्जन ऑफ क्रॉसबो है बे, मतलब ये देख रहे हो आप। ओए एरो भी आया था अभी ग्रीन कलर का, मतलब ये पूरा क्रॉसबो है, इसे बड़ा कर दिया इन लोगों ने। चलो काश इसके अंदर ट्राइंग करो फिट कर पा के मारते भाई, 2 मिनट में नॉक हो जाता। ओके भाई ये देखो एकदम क्रॉसबो की फीलिंग आ रही है, आप पूरे साइड से देख सकते हो। ये एम लेना, मैं इसके ऊपर एम ले रहा हूँ। अब इसके अंदर डालते हैं बैलिस्टा बोल्ट एंड करते टेस्ट। भाई जा भाई क्या हो गया। चलो अभी ये फिट हो चुके इसके अंदर एंड लोड भी हो चुके। अभी इसको हम करते हैं ऐसे एम लेके मारो, कितना 600, अबे कम नहीं है। और DBS 120 का मतलब इतना भी अच्छा नहीं है बे, मतलब 600 डैमेज मतलब ठीक है, मतलब अगर आप झुंड में मारोगे तो ठीक है। चलो फटाफट से हम मेहमत को जो रिवाइव करते हैं, फटाफट से मेहमत को रिवाइव करके देखेंगे भाई कि मेहमत को कितना डैमेज पड़ता है। अगर मतलब 600 डैमेज पड़ता होगा तो ये मतलब बहुत कम डैमेज है, इसका मतलब इतना भी ज़्यादा डैमेज है नहीं। अभी देखो मेहमत आ चुका है। ओके मेहमत पड़ी क्या? हाँ पड़ी तो सही। इसके हेल्थ देखते एक बार, अबे 4K हेल्थ थी इसकी, 3.1 की होगी, मतलब तकरीबन इसने 900 का डैमेज किया भाई। एक सेकंड, हाँ अबे मतलब 900 का डैमेज कर रहा है ये। एक दिया इसका, हो गया अगर 2-4 मतलब 5-5 में मर जाना चाहिए। ओके फाइनल। ओ भाई साहब, भाई मतलब ये तो मतलब जहर है भाई, मतलब 4K हेल्थ ये 5 बोल्ट में खा जाती है, मतलब एवरेज मतलब बहुत सही है इसका, मतलब अगर 4 बोल्ट आप मारोगे तो 4K हेल्थ चली जाएगी, ठीक है। अगर आप 10 मारोगे तो 8K हेल्थ चली जाएगी, मतलब आप मतलब इजी है पे, मतलब गीगा को ट्रैप करके मारना होगा, हंट गीगा करना होगा तो इसे आप कर सकते हो। अब आपको थोड़े एरोस थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे, मतलब ज़्यादा मतलब 50 काफ़ी है भाई गीगा को मारने के लिए, मतलब डैमेज तो कोई काफ़ी सही कर रहा है ये। अगर इस काश इसके अंदर भाई ट्रैंकर लग पता टेम भी हो जाता। अभी ये देखो ये स्पाइनो एक दिया, ठीक है। अभी स्पाइनो की हेल्थ देखते हैं, दूर से देखेंगे पास में जाकर अपना टेक सूट जो है तोड़वाना नहीं। भाई ये निकलने की कोशिश क्यों कर रहा है? ओके 3.5K थी और 2.6 की होगी, हाँ मतलब तकरीबन 900 का डैमेज करता है ये। चलो इसको हेडशॉट देंगे, हेडशॉट। और ये लगा बहुत गंदा लगा उसको। अभी भागेगा ये, बेचारे की हेल्थ लो होती है, स्पाइनो का दिक्कत ही है। अगर आप स्पाइनो को मारते हो एंड उसकी हेल्थ अगर लो हो जाती है तो भाई इतना स्पीड से भागता है ना भाई। अभी तो भागेगा नहीं, अभी तो सीधा लुढ़ के जाएगा क्योंकि मर गया बेचारा, क्योंकि हमने इसको मार दिया है। फिलहाल के इसको भाई हार्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो भाई दिक्कत आ जाएगा बीच में। अभी जो है ट्राई करते हैं अपना कला टू प्लूट, क्या नाम है भाई उस टरेट का, भाई अजीबी नाम है भाई, कटा पुट टरेट। चलो बराबर से इसको भी हम इसको कहाँ लगाएंगे, अभी इसका भी दिक्कत है इतनी बड़ी जो है भाई ये। मेरे को है ना फाउंडेशन बना लेने चाहिए थे, लेकिन जाने तो छोड़ दो, बाद में इधर ही टेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए लग जा भाई कहीं तो लग जा पास। ओके यहाँ लगा सकता हूँ मैं। ओके अभी सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इसके अंदर जो है वो उसके जो बोल्ट बनाने पड़ेंगे, उसके लिए अपने को जो स्टोन एंड मेटल, चलो अभी जितने हो सके उतने बना देते। 12 बन रहे, चलो ठीक है काफ़ी, 12 काफ़ी टेस्ट करने के लिए। एंड गाइस अब मेरे को बताओ, अगर आपको पता हो अगर ये कहाँ पे यूज़ होते, ये टरेट वगैरह, कैप्सूल टरेट हो गया, बैलिस्टा टरेट हो गया, ये कहाँ पे यूज़ होते तो मेरे को ज़रूर से बताना। एंड पीवी में आज तक मैंने कभी देखे नहीं किसी के बेस पे, ये सब लोग मतलब ये सब लगाए हुए ये तो कभी देखे नहीं। ऑटो टरेट ही देखे ज़्यादातर, ऑटो टरेट और ईजी टरेट दोनों ही चीज़ ज़्यादा देखिए। भाई एक सेकंड रुक जा भाई, मेहमत है ना। हाँ भाई ईजी कब से आने लगा, आई थिंक ये डंजन से लेके आया था मैं। इसकी 3.5 के हेल्थ है, अभी देखते हैं कि भाई ये जो है कितना डैमेज कर पाता है। कटा प्लू टरेट क्या नाम है इसका, भाई अजीब सा है भाई, इसको एम लेने में दिक्कत होगा मेरे को। ओके लगा ये पत्थर है, मतलब ये गोला मारता है, मतलब गोला मारता है भाई। इसके हेल्थ देखो अभी 3.2K, अभी ये तो बहुत कम डैमेज करता है भाई, टॉर्पर भी तो नहीं बढ़ रहा इससे। ओके आई थिंक मुझको क्या पता क्या लग रहा है कि ये इसमें जो है बैलिस्टा बोल्ट, मतलब बैलिस्टा बोल्ट के साथ भाला था, भाला मतलब ऐसे स्पीयर होता है वो किसके अंदर घुसा देंगे तो उसको बहुत डैमेज पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसे गोला टाइप का है, उसके अंदर कांटे लगे हुए हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो है ना मतलब बैटलमेंट होती वो तोड़ने में आई थिंक काम आता होगा। तो गाइज मेरे को आप फटाफट जाके अपने सोलो वर्ल्ड में, आप कहीं पर भी जाके मल्टीप्लेयर में जाके आप ये चेकआउट जरूर से कर लेना, क्या इससे आप बैटलमेंट को तोड़ के देखना। अगर टूटती है तो मेरे को ज़रूर से बताना, क्योंकि ये चीज़ मैं सोलो में नहीं कर सकता, आपको पता है कि सोलो में पीवीपी नहीं होता है। एंड मेरे को ज़रूर से बता देना, आप ट्राई जरूर करना। ऐसे मेरे को लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि भाई इसका जो गोला है वो बैटलमेंट को टकराएगा, या फिर वॉल्स को आप मारोगे तो ज़्यादा डैमेज कर पाएगा। मेरे हिसाब से ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बोल्ट जो है वो सीधा घुस जाता है और ये तोड़ता है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है
कि ये वॉल तोड़ने में, फिर बैटलमैन तोड़ने में हेल्प करता होगा। बाकी इसकी डैमेज की बात करें तो डैमेज इसका बहुत ज़्यादा कम है। आई थिंक इसका डैमेज जो है बैटलमैन पे ज़्यादा हो, ऐसा मुझको लग रहा है। एंड अभी एक और डायनो को हम रिसेलेक्ट करते हैं, जो है पैरासेराथीरियम, जो कि मैंने रेडूट से लेके आया था। भाई चलो हो जा भाई रिवाइव। एंड मैं तो कब से रिवाइव ही खेलता आ रहा हूँ भाई। चलो ये देखो आगे भाई 4.7 के हेल्थ है। एंड इसी जगह मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो ये जो है वो समथिंग लाइक 6 एरो में हो जाएगा। एक ये नहीं पड़ा, एक मारा चलो दो मारा, 3, 4, 5, 6। ओ देखो मैंने क्या बोला था, 6 एरो में इसको मर जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बोला था आप 5 एरो मारोगे तो 4 के हेल्थ जाएगी, 10 एरो मारोगे तो 8 के। इसकी थी 4 से ज़्यादा हेल्थ, तो मतलब इसको 6 एरो मारने थे। देख रहे हो ये भाले, आप देख रहे हो मतलब इतने बड़े बड़े भाले, देख रहे हो कि घुस जाएंगे ना किसी के अंदर, नानी याद आ जाएगी उसकी भाई की। चलो फिलहाल के लिए गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आज के एपिसोड में हमने जो है ट्राई किया बैलिस्टा टरेट एंड कैप्टापुट टरेट, पता नहीं दोनों का नाम कितना अजीब क्यों है, लेकिन देखो दोनों ही अपने अपने में अच्छे है भाई। चलो फिर आज का एपिसोड इधर ही खत्म करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। With the